इसराइल के प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने गुरुवार को चुनाव में हार स्वीकार कर ली और विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर चुनाव की जीत पर बधाई दी। दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी नेतन्याहू को बधाई दी है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिण पंथी दलों के गठबंधन ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। नेतन्याहू नीत दक्षिण पंथी गुट ने 120 सदस्यीय सदन में 64 सीट जीत कर बहुमत हासिल कर लिया। लैपिड ने नेतन्याहू से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी विभागों को सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण की तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। लैपिड ने ट्वीट किया, इसराइल की संकल्पना किसी भी राजनीतिक विचार से ऊपर है। मैं नेतन्याहू को इसराइल और यहाँ के लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसराइल में मंगलवार को 4 साल में अभूतपूर्व 5वीं बार मतदान हुआ था। इसराइल में वर्षों तक नेतन्याहू राजनीतिक रूप से अजेय प्रतीत होते रहे थे, लेकिन 2021 में कई पार्टियों के एक अभूतपूर्व गठबंधन द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के बाद उन्हें एक करारा झटका लगा था। इसराइल में 2019 में 73 वर्षीय नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी एवं विश्वासघात जैसे आरोप लगने के बाद से राजनीतिक गतिरोध चला आ रहा था। नेतन्याहू इसराइल के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक और कुल मिलाकर 15 साल तक देश पर शासन किया। उन्हें पिछले साल सत्ता से हटना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को आम चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई दी और कहा कि वो भारत इसराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, चुनाव में जीत पर मेरे प्रिय मित्र नेतन्याहू को बधाई। मैं भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। मोदी ने भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने के लिए लैपिड को भी धन्यवाद दिया।